अमेरिकन डीजे मार्शमेलो का आज कॉन्सर्ट था मुंबई में। अगर आप उस कॉन्सर्ट के टिकट की प्राइस सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। होली के फेस्टिवल को और इंजॉयबल और मेमोरेबल बनाने के लिए मार्शमेलो ने उनका टूर किया इंडिया में, जहां 22 मार्च को उन्होंने परफॉर्म किया बेंगलुरु में, 23 मार्च को परफॉर्म किया दिल्ली NCR में, वहीं आज 24 मार्च को उन्होंने परफॉर्म किया मुंबई में और कल वो परफॉर्म करेंगे पुणे में। और आज मुंबई के कॉन्सर्ट में कुछ सेलिब्रिटीज भी पहुंचे थे कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए। जिस लिस्ट में शामिल थी एक्ट्रेस सनी लियोनी, वो अपने हस्बैंड के साथ इस कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए पहुंची थी, और सिंगर बादशाह भी इस कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए पहुंचे थे। मार्शमेलो के कॉन्सर्ट की स्टार्टिंग टिकट प्राइस है 999 रुपीज, लेकिन सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन कभी भी भीड़ में शामिल नहीं होते, वो हमेशा एक्सक्लूसिव टिकट लेते हैं। और एक्सक्लूसिव टेबल पैकेजेस की प्राइस है, गोल्ड टेबल की प्राइस है 59,000 रुपीज, वहीं प्लेटिनम पैकेज की प्राइस है 1,18,000 रुपीज, डायमंड टेबल की कॉस्ट है 1,77,000 रुपीज, वहीं कॉन्सोल टेबल की कॉस्ट है 4,13,000 रुपीज। और इतना टिकट प्राइस क्यों रखा गया है, क्योंकि मार्शमेलो को अगर आप हायर करते हो किसी कॉन्सर्ट या इवेंट के लिए तो वो रिपोर्टेडली चार्ज करते हैं $750,000 से लेके $999,000, इंडियन करेंसी में लगभग 6.26 करोड़ रुपीज से लेके 8.35 करोड़ रुपीज तक। तो आप क्या कहना चाहोगे मार्शमेलो के बारे में, क्या मार्शमेलो के गाने सुनते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और आज इंडियन पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी ने हर साल की तरह इस साल भी इफ्तारी पार्टी होस्ट की, जिस पार्टी में शामिल हुए सलमान खान उनकी पूरी फैमिली के साथ, जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड यूलिया वेंतौर भी शामिल थी। वहीं इन्फ्लुएंसर की लिस्ट में अवनीत कौर, मिस्टर फैजू, जन्नत जुबैर और आशिका भाटिया जैसे इन्फ्लुएंसर शामिल थे। और टॉप सेलिब्रिटीज की लिस्ट में निकी डंबोली, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, पूजा हेगड़े, प्रीति जिंटा, पलक तिवारी, श्वेता तिवारी, मनीष पॉल जैसे सेलिब्रिटी शामिल थे। वहीं बर्थडे बॉय इमरान हाशमी भी शामिल थे, जिसके चलते बाबा सिद्दीकी ने भी उनके साथ केक कट करके उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया उनकी इफ्तारी पार्टी में। और रिसेंटली बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का एक सॉन्ग आया यिमी यिमी, और उस सॉन्ग के लिए कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने ये कहा है, ये सॉन्ग डेडिकेटेड है मुझे। और उन्होंने एक लेटर लिखा है जैकलीन फर्नांडिस को कि बेबी इट वॉज द परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट। हालांकि मैं इसको अर्ली बर्थडे गिफ्ट कहूँगा क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला है 25 मार्च को, लेकिन उनका सॉन्ग पहले ही आ चुका है। तो उन्होंने ये सब कुछ लिखा है लेटर में कि ये सॉन्ग मुझे डेडिकेटेड है और जो भी ये सॉन्ग सुनेगा वो एग्री करेगा हमारी लाइफ से और हमारी लव स्टोरी से। तो आप क्या कहना चाहोगे कौन मैन सुकेश चंद्रशेखर के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है जैकी श्रॉफ को लेकर के। रिसेंटली GQ मैगजीन के इंटरेक्शन में जैकी श्रॉफ ने बताया है कि उनको उनकी कार खरीदने का रिग्रेट है। अगर उस टाइम उन्होंने कार नहीं खरीदी होती और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता तो आज मुंबई का अंधेरी आधे से ज़्यादा उनका होता था। और उन्होंने यूथ को भी यही एडवाइस दी है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी में करो, लग्जरी कार्स और इनमें मत करो। और इनके कार कलेक्शन में विंटेज कार से लेकर के लेटेस्ट कार शामिल है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज़।